नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप? आप सभी को नागपंचमी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। आप सभी लोगों का इस सक्सेस पॉइंट इंडिया के द्वारा संचालित सभी प्रैक्टिस सेटों के अंतर्गत इन सभी कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, जल्द से जल्द इस क्लास सेशन को ज्वाइन करें। सबसे पहले लाइक करना है और इसके बाद क्लास प्रारंभ करते हैं। और क्लास जब भी प्रारंभ हो तो किसी भी क्लास को भी शुरुआत से लेकर के उसे अंत तक अवश्य देखें। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करें आप लोग, ठीक है? चलिए, या जो लोग बाद में भी देखते हैं वो लोग भी किसी चीज़ को स्किप ना करें, एक बार पूरा सुने क्लास को, ठीक है? क्लास की ड्यूरेशन आपकी बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 20 से 22 मिनट के बीच में इस क्लास की ड्यूरेशन होती है। 20-22 मिनट का समय निकाल के आप इस पूरी क्लास को ज़रूर सुना करिए, ठीक है? और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, ठीक है? यदि नहीं है तो आप उसका आंसर सुनो आप हमसे, ठीक है? चलिए, तो प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को, एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज का क्वेश्चन है पहला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की स्थापना करता है, सॉरी उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ये जो अनुच्छेद 124 है ये कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के ठीक तुरंत बाद अस्तित्व में आया, ठीक है? तो अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, न्यूनतम आयु विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में मिलेगा आपको, ठीक है? भारतीय संविधान जब आप पढ़ेंगे तो इस विधानसभा का गठन आपको अनुच्छेद 170 में दिया गया है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अवधि जो है तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। प्यारे अभ्यर्थियों, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये MLA कहलाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि साधारण विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें साधारण विधेयक की, कि साधारण विधेयक है तो उसे सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत करना होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 368 के भाग 2 के अनुसार अनुच्छेद 368 का दूसरा पॉइंट कहता है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि उसे लोकसभा या पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत करें। यदि विधेयक साधारण है तो इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई सदस्य इसे प्रस्तुत करेगा साधारण विधेयक को, तो इसे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी होगी, ठीक है? मतलब ये कहा गया है कि जब भी कोई सदस्य संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश करेगा तो उसे इसके लिए सदन को अग्रिम यानी एडवांस में इसे क्या है नोटिफाई करना पड़ेगा, पहले से सूचना देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों एकदम इजी है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, एक निबल में हमेशा याद रखिएगा, एक निबल में चार बिट्स होते हैं। डेटा मापने की जो सबसे छोटी इकाई है प्यारे अभ्यर्थियों, ये बिट होती है, ठीक है? तो एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। क्लियर हुआ?
अगले प्रश्न पर आ जाइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे भारतीयों, इंग्लैंड के निवासी आपके चार्ल्स डार्विन, प्यारे भारतीयों, इन्होंने क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की रचना की थी प्यारे भारतीयों, जिसका सबसे पहला प्रकाशन 1859 में हुआ। चार्ल्स डार्विन ने प्यारे भारतीयों इस पुस्तक में पृथ्वी पर जीवों के विकास से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने का एक प्रयास किया है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन प्यारे भारतीयों आपके इंग्लैंड के निवासी, जिन्होंने 1859 में इस पुस्तक को लिख करके कंप्लीट किया था, ठीक है। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने जीवों के विकास को लेकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? वस्तु और जो सेवा कर है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी का जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता करता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री ही करता है। जो जीएसटी परिषद की, जो जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्षता करेगा वो केंद्रीय वित्त मंत्री ही करेगा। तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन हुआ? वित्त मंत्री हुआ। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करिएगा इनबॉक्स में, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? जितने भी लोग आप मेरी क्लास देख रहे हो कमेंट करिएगा, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? नया जो मोदी मंत्रिमंडल अभी जो लागू हुआ है, इसमें वित्त मंत्री किसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो गुप्तकालीन मंदिरों में प्यारे भारतीयों बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से दो मंदिर स्थित हैं जो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम से जाना जाता है। पहला मंदिर हमेशा याद रखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि आपके ललितपुर जिले में स्थित है प्यारे भारतीयों, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है आपका, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्यारे भारतीयों, ठीक है। और दूसरा है आपका भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है प्यारे भारतीयों, ये कानपुर देहात क्षेत्र में स्थित है। इन मंदिरों में प्यारे भारतीयों गुप्तकालीन कला, गुप्तकालीन संस्कृति व गुप्तकालीन अवशेष मिलते हैं, अतः इन्हें जो है तो गुप्तकालीन मंदिरों की संज्ञा दी गई है और गुप्त वंश के शासकों ने इन्हें बनवाया भी था। तो उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन दो मंदिर, पहला है आपका देवगढ़ का दशावतार और दूसरा है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि घोषिताराम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, वह कहां पर स्थित है? घोषिताराम कहां पर स्थित है जहां पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे? तो प्यारे अभ्यर्थियों, घोषिताराम आपका कौशाम्बी जिले में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक सुप्रसिद्ध स्थान है, जहां पे निवास स्थान माना जाता है किसका? महात्मा बुद्ध का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं कि कुछ समय के लिए चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए भगवान बुद्ध आपके कौशाम्बी जिले के घोषिताराम नामक स्थल पर कुछ समय के लिए रुके थे। अगले प्रश्न पर आते हैं और कहते हैं कि अवध साम्राज्य का ब्रिटिश भारत में विलीन कब हुआ या ब्रिटिश भारत में विलय कब हुआ? तो प्यारे भारतीयों, अवध जो साम्राज्य है, इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 ईस्वी में हुआ था। प्यारे भारतीयों, बात करें उस समय की, तो अवध का जो नवाब था, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह कहते थे जिसे, वाजिद अली शाह, जिसने 1847 से लेकर के 1856 तक शासन किया था। बाद में इसी के समय में अवध पर जो है तो तत्कालीन गवर्नर ने क्या किया था कि एक कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 में इस अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है, विलय कर लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तनों में कलाकृति के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, और उन चीनी मिट्टी के बर्तनों में कलाकृति के लिए जाना जाता है प्यारे भारतीयों? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका बुलंदशहर जिला, और बुलंदशहर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है आपका खुर्जा। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नामक जगह पर चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तनों का, कलात्मक जो बर्तन है, इन बर्तनों के लिए विशेष तरीके से जाना जाता है प्यारे भारतीयों आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र का खुर्जा जिला प्यारे भारतीयों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल्स है, और ये कहां पर स्थित है प्यारे भारतीयों? तो जो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड है प्यारे भारतीयों, ये आपके गोरखपुर के सहजनवा नामक जगह पर स्थित है, गोरखपुर जिले के सहजनवा नामक जगह पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी प्यारे भारतीयों। बात करें तो इस महावीर जूट मिल्स लिमिटेड के प्रमुख कार्यों की, तो देखिए जैसे जूट हो गया आपका, मेस्ता हो गया, और नेचुरल जो फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, इन सबकी कताई बुनाई के लिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि गोरखपुर जिले के सैजनवा नामक क्षेत्र में स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए, सहारनपुर है जिला आपके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला प्रमुख कागज उत्पादक जिला माना गया है। यहाँ पर क्या प्यारे विद्यार्थियों की स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यहीं पर है, और यहाँ पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी होने के कारण जो मुद्रण और जो प्रकाशक हैं, इन चीज़ों को यहाँ से बढ़ावा मिला, ठीक है, यानी कि जो प्रकाशक हैं और जो मुद्रण संस्थान है, इनको यहाँ से बढ़ावा मिला था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सहारनपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ये कागज निर्माण के लिए विशेष तरीके से जाना जाता है, और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपकी यहीं पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो सबसे जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपका 2011 के अनुसार, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली है प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पर बात करें तो 62 वर्ग किलोमीटर का केवल क्षेत्रफल है, और इस 62 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में प्यारे विद्यार्थियों 36,155 व्यक्ति निवास करते हैं। यानी 62 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 36,155 व्यक्ति निवास करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे समूचे भारत का यदि बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यदि कोई जिला है तो आपकी उत्तर पूर्वी दिल्ली है, ठीक है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं? तो भूमध्य सागरीय जो वन क्या है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ कहते हैं कि किस जलवायु में स्थित हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो भूमध्य सागरीय जो वन्य झाड़ियाँ हैं, ये गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं, बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यह उष्णकटिबंधीय और आपकी शीतकटिबंधीय का क्षेत्र है, जहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो दिन और रात के तापमान में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। ऐसी जगह पर मिलती हैं आपकी भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ, ठीक है, यानी कि गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पर होता है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा अधिक जूट उत्पादन करता प्यारे विद्यार्थियों देश है, पहले नंबर पर आपका भारत, और भारत के अंदर बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह पूरे विश्व का 55% जूट उत्पादन करता है। बात करें तो दूसरे नंबर पर यह दूसरे नंबर पर देश से जूट उत्पादन करता यह है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश पूरे विश्व में लगभग 41% जूट का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि योग क्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? तो योग क्षेमम वहाम्यम प्यारे विद्यार्थियों, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। ये योग क्षेम वहाम्यम प्यारे विद्यार्थियों आपके LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो संस्थान है, इसका मतलब कि ध्येय वाक्य प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, ठीक है, LIC की स्थापना 1956 में की गई थी, और LIC का जो हेड ऑफिस है यानी जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में स्थित है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारत में जो मुद्रास्फीति का जो लक्ष्यीकरण है, ये कौन सा संस्थान या कौन सा संगठन करता है प्यारे विद्यार्थियों? तो मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण का, ठीक है, मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण का जो भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है प्यारे विद्यार्थियों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, जिसका अर्थ ये होता है प्यारे विद्यार्थियों कि मूल रूप से मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर लक्षित स्तर पर लाना है प्यारे विद्यार्थियों, मतलब एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो मुद्रास्फीति की जो दर है, जो मुद्रास्फीति चल रही है, इसको क्या करना है कि एक लक्षित स्तर पर लाना है, जो हमारे एक साल के फाइनेंशियल ईयर का जो एक लक्ष्य है उस पर मुद्रास्फीति आ जाए। यह कौन सा संस्थान करता है? तो यह RBI करता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाएं। मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है? तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें कि मेखला चादर किस भारतीय राज्य का एक महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका सही उत्तर होता है असम। यानी कि मेखला चादर जो एक पारंपरिक वस्त्र है, ये असम की महिलाओं द्वारा रेशमी धागों से बनी हुई और आकर्षक डिजाइन वाला एक, मतलब एक विशेष प्रकार की एक साड़ी होती है, जो असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। क्लियर हुआ।
अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न कहता है, प्यारे भारतीयों, अगला प्रश्न कहता है कि वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो वायु दाब को इतना तो पता ही होगा कि वायु दाब को कौन मापता है, तो हमेशा याद रखिएगा वायु दाब को मापने के लिए प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। प्यारे वृत्तियों, सोशल मीडिया से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जैसे कि विगत वर्षों में देखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। प्यारे वृत्तियों, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है फेसबुक वॉच प्लेटफॉर्म है प्यारे वृत्तियों, जिसका प्रयोग हम शो देखने के लिए करते हैं। बात करें प्यारे वृत्तियों फेसबुक की, तो फेसबुक एक आपकी सोशल नेटवर्क सेवा वेबसाइट है प्यारे वृत्तियों, जिसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। और पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध जो सूफी संत थे आपके शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह प्यारे वृत्ति उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। बात करें प्यारे वृत्तियों, तो अकबर के जो पुत्र थे सलीम, यानी कि जो बाद में जहांगीर के नाम से जाने गए, इन जहांगीर महोदय को भी क्या है कि शेख सलीम चिश्ती ने ही आशीर्वाद दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं। तो प्यारे वृत्तियों, हमने देखा कि बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में लगभग 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसमें से बात करें वर्तमान उत्तर प्रदेश में, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद थे, ठीक है। अगर आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश को लेकर के देखें तो यहाँ पे 8 महाजनपद आपको मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाइए। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा और यूपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्यारे व्यक्तियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अलग अलग जगह पर कुछ सर्किट बनाकर के तैयार किए। इनमें से यदि बुंदेलखंड सर्किट की बात करेंगे, तो जो भी व्यक्ति बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत यात्रा करना चाहता है, पर्यटन करना चाहता है प्यारे व्यक्तियों, तो उसमें से 5 जगह आती है मुख्य रूप से, जिनमें से आपके कानपुर का बिठूर हो गया, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ये 5 स्थल हैं प्यारे व्यक्तियों जो यूपी टूरिज्म के बुंदेलखंड सर्किट में से शामिल है। अगला प्रश्न प्यारे व्यक्तियों कि बुशमैन जनजातियां कहां पर निवास करती हैं। तो जो बुशमैन जनजातियां होती हैं प्यारे व्यक्तियों, ये बुशमैन जनजातियां प्यारे व्यक्तियों आपके अफ्रीका देश के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। अफ्रीका देश का जो कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, इस कालाहारी डेजर्ट में क्या है कि ये बुशमैन जनजातियां निवास करेंगे, ठीक है, निवास करती हैं। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, ये कहाँ पर अवस्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, भारत की प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनी है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1907 को की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। इसके संस्थापक आपके दोराबजी टाटा ने, इसके जो संस्थापक हैं दोराबजी टाटा ने क्या किया था कि इसकी स्थापना 20 अगस्त 1907 को की थी। भारत की सबसे प्रमुख इस्पात संयंत्र वाली आपकी कंपनी है प्यारे अभ्यर्थियों, मतलब कि उत्पादक कंपनी है। बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो पहला प्रश्न है आपका कि विनवैक्स 23 क्या है। विनवैक्स 23 क्या है प्यारे अभ्यर्थियों, तो बात करेंगे तो जो विनवैक्स 23 है प्यारे अभ्यर्थियों, ये भारत और वियतनाम के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका आयोजन बारी बारी से प्रतिवर्ष होता है प्यारे अभ्यर्थियों। 2023 में इसका आयोजन हनोई नामक शहर में हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों, वियतनाम के हनोई में हुआ था इसका आयोजन प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो इस अभ्यास का उद्देश्य प्यारे अभ्यर्थियों, एक सहयोगी साझेदारी को बढ़ावा देना, अंतर संचालन को बढ़ावा देना, ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि दोनों सेनाओं के बीच में एक अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। विनवैक्स 23 ये हनोई में आयोजित होने वाला 2023 में एक क्या है, भारत और वियतनाम के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, गरबा किसे
जिसे गरबा जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में दर्ज किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सबसे पहली बात तो देखिए, जो गरबा है, गरबा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। और इस तरीके से गरबा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला प्यारे अभ्यर्थियों लोक कलात्मक संस्कृति के अंतर्गत ये भारत की तरफ से 15वीं सांस्कृतिक प्रस्तुति है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो गरबा किस राज्य का प्रमुख मतलब कि नृत्य है, तो ये प्यारे अभ्यर्थियों गरबा जो कलाकृति है प्यारे अभ्यर्थियों ये है आपके गुजरात से संबंधित, ठीक है। गरबा जो सांस्कृतिक जो कल्चरल एक प्रोग्राम है ये आपके गुजरात से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक 2 वर्ष पहले की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो कलकत्ता की यानी कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को की विश्व सूची में मतलब विरासत सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया प्यारे अभ्यर्थियों? तो आप कह सकते हो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्यारे अभ्यर्थियों क्या किया है कि फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या किया है कि फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जो जेल में जो कैदी निरुद्ध हैं इनकी रिहाई के लिए अदालती आदेश के बारे में और जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करने के लिए ये फास्टर 2.0 पोर्टल क्या किया है, लागू किया है प्यारे अभ्यर्थियों, जिससे आप ऑनलाइन कैदियों की ट्रैकिंग देख सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ कोर्ट से आया हुआ समन है, और साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों ट्रायल कोर्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है तो आपको फास्टर 2.0 पोर्टल में मिलेंगी, ठीक है। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चलाया गया एक विशेष पोर्टल है जो कि जेल में निरुद्ध कैदियों के लिए है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो कौन सा संगठन है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है प्यारे अभ्यर्थियों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का क्या करता है, निर्माण करता है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो प्यारे अभ्यर्थियों इसे कम से कम प्रतिवर्ष आठ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का जो मतलब कि अधिकार प्राप्त है, यानी जिसके पास क्षमता है प्यारे अभ्यर्थियों, आठ लाइट कॉम्बैट प्यारे अभ्यर्थियों बनाएगा एयरक्राफ्ट, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के लिए सबसे हल्के लड़ाकू विमान निर्माण करता है आपकी HAL कंपनी। यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों अगर आपने DRDO सोचा होगा तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि जो महिमा पंथ है, महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों? तो महिमा पंथ जो एक धार्मिक आंदोलन है प्यारे अभ्यर्थियों, इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों ये कहाँ से शुरुआत हुई है प्यारे अभ्यर्थियों? तो इसकी शुरुआत प्यारे अभ्यर्थियों आपके ओडिशा से हुई है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया कि आधिकारिक तौर पर 2 दिवसीय एक इस भक्ति आंदोलन जिसका नाम है महिमा पंथ की एक सूचना दी थी प्यारे अभ्यर्थियों को ओडिशा में, ठीक है। और ये ओडिशा राज्य सरकार द्वारा और ओडिशा निवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष एक धार्मिक आंदोलन है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, जो कि संत कवि भीमाबाई, ठीक है, संत कवि भीमा भोई, ठीक है, के मतलब की थीम पर आधारित है, भीमा भोई की थीम पर आधारित है, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था हमारा आज का एक विशेष कार्यक्रम जो कि GS प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के आपके सामने आए थे, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल इसी समय और इसी क्लास में, तब तक के लिए प्यारे अभ्यर्थियों अपनी पढ़ाई को जारी किए रहिएगा, किसी भी प्रकार से उम्मीद और हौसला टूटने मत दीजिएगा, और विशेष तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही तो सब सही। मिलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों कल आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।